लास्ट टॉपिक है अब इस चैप्टर का साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। अब साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इसमें। अब ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं? अब जो हमारे पास बिल्कुल सही कंडीशन तो होती है वो तो क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। अब लेकिन जो है एग्रीगेट डिमांड भी वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, इसके भी काफी सारे रीजंस होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड और जो है एग्रीगेट सप्लाई जब एक दूसरे की इक्वल हो तब तो जो है सही सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। अब इसमें जो है अब हम इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस पढ़ेंगे। अब इसमें बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो है अगर मान लो एक्सेस डिमांड होती है, ज्यादा डिमांड होती है तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आता है तो उससे क्या होगा, बूम बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बूम है बूम की सिचुएशन अराइज हो जाएगी यानी कि मार्केट में तेजी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एग्रीगेट डिमांड जो है अगर वो कम हो जाती है, अगर लोगों ने डिमांड करनी कम स्टार्ट कर दी तो क्या आ जाएगी, रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, फिर मंदी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो है वो क्या होगी, धीरे 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 डिमांड जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम, रिकवरी। अब जो थोड़े टाइम पीरियड के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी फिर वही बूम की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो इस तरीके से साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बूम की सिचुएशन है, वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बूम की सिचुएशन है, बूम सबसे ऊपर होता है, फिर जब ये इस पॉइंट पे आ जाते हैं इसको क्या कहते हैं, रिसेशन, जब डिमांड कम होने लगती है। जब एक लेवल तक डिमांड और भी ज्यादा कम हो जाती है फिर डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, फिर डिप्रेशन के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़नी स्टार्ट होती है तो रिकवरी स्टार्ट होती है। अब जब रिकवरी धीरे धीरे होती रहेगी, लोग डिमांड जो ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, फिर वही बूम की सिचुएशन, फिर आगे अगर हम इसको आगे इसी तरीके से बनाए फिर वही रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, यही जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।